तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएमटी टेलर में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पैंट की कटिंग के। तो पैंट की कटिंग में देखिए, जो मैं देखा हूं अक्सर लोग बताते हैं घुटने के नाप लेने के लिए, जो नी का घुटना होता है जिसका हम निशान लगाते हैं लोग, तो आज हम उसकी बिल्कुल परफेक्ट आपको बताएंगे कैसे आप नाप लें। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप लंबाई का आधा करें फिर 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे करें, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि यार करना क्या है एक्चुअली में। तो हम बता रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं, मैं खुद पे अपने ट्रायल करके दिखा रहा हूँ आपको कि नी के घुटना कैसे रखें, आदमी लंबा हो या छोटा हो सब में आप समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको कि किस तरह से घुटना का नाप लेना है। आइए मैं दिखाता हूँ अपने खुद पे ट्रायल करके, तो आइए देखते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ खुद पे ट्राई करके। देखिए जैसे मैंने ये पैंट पहना है, यहाँ पर ये हमने पैंट जो है नाभि के नीचे ही पहना हुआ है। तो अब मैं दिखाता हूँ खुद पे कि जो हम नी का नाप लेते हैं, घुटने का नाप लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको कि अक्सर लोग लंबाई का के बाद हाई से और लंबाई का लेंथ करते हैं, उसके बाद आधा करने के बाद 2 इंच ऊपर 2 इंच करते हैं। छोड़िए, यहाँ पर देखिए हमारा घुटना है, घुटने पास हम इसी तरह से नाप लेते हैं ना, आप इसी तरह से नाप लेते होंगे। तो हम यहाँ से नापते हैं कि हमारा घुटने के पास कितना इंच जा रहा है। ठीक है, देखिए आप ये हमारा घुटना रहा, यहाँ पर हमारा आ रहा है 19-20 इंच के आसपास आ रहा है। अभी मैं थोड़ा झुका हुआ, अभी मैं सीधा खड़ा हूँ बिल्कुल। देखिए अभी कितना रहा, 18 इंच, यानी जो हमारी घुटने की हड्डी होती है उसके ऊपर हम करेंगे तो 18 इंच हमारा आ रहा है। और अगर बिल्कुल हड्डी के पास, हड्डी पे करेंगे जो घुटने की हमारी हड्डी होती है, वहाँ पे 20 इंच हो रहा है। तो मैं इस हिसाब से आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो आइए कटिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने एक कपड़ा बिछा लिया है, उल्टा है, उल्टा जो रहता है वो ऊपर रहता है। अब हम नाप देखते हैं, ये लंबाई है हमारा 37.5 इंच और कमर 34 इंच। ठीक है, अभी दो ही नाप लिख रहे हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हम अभी कटिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब सीधी स्केल से ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये खींचने के बाद लंबाई के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे। देखिए लंबाई हमारा 37.5 इंच है ना, तो इसमें 1 इंच जो है हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे, जो हमने लाइन खींचा है उसे 1 इंच ऊपर करेंगे, क्योंकि हमारा 1.5 इंच का बेल्ट रहता है। तो 1.5 इंच के बेल्ट में आधा इंच जो देखिए यहाँ से हमारा सिलाई होगा, तो 1.5 इंच हो जाएगा यहाँ से हमारा बेल्ट का। इसके लिए 1 इंच निकालते हैं ऊपर, 1 इंच निकालने के बाद हम 37.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद 2.5 से 3 इंच तक मैं 3 इंच लगाता हूँ अब बॉटम फोल्ड के लिए, जो हाथ से तुड़पाई होता है, हाथ से सिलाई होता है इसके लिए। इसके बाद दूसरा मार्क करेंगे हम हाई के लिए, जो इसको लटक बोलते हैं। तो लटक का मार्क करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारा लटक है हाई, जिसको बोलते हैं 25 इंच। 25 इंच में 6 इंच माइनस करेंगे, होता हमारा 19 इंच बचेगा। अब क्या करेंगे, 19 इंच में को 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो आएगा 9.5 इंच, 9 × 2 = 18 और 1 इंच का 1/2 इंच होता है, तो 9.5। अब देखिए इंची टेप में दिखा रहा हूँ आपको, आप किसी का भी साइज़ का जो पैंट रहेगा जिसमें हाई रहेगा, आप किसी भी साइज़ का फॉर्मूला आप इस तरह से निकाल के लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से बैठेगा। आप अंदाज से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जितना हमारा हाई है उसका में से 6 इंच माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 2 भाग करके लगाएंगे। तो देखिए हमने लगा दिया इस पर 9.5 इंच पे। इसके बाद घुटने का मार्क, जो हमने पहले आपको दिखाया था, बताया था घुटने मार्क कैसे लगाया जाएगा, तो हमारा 18, 19, 20 नॉर्मली जो साइज होता है, जिनका 37-38 इंच लंबा जो पैंट पहनते हैं उनका 18 इंच से शुरू होता है, तो इसका हम 18.5 इंच पर लगाएंगे। 18 पे भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, 19 पे भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम 18.5 पे लगाएंगे इसका। अब ये जो दोनों मार्क हमने किया है, तीनों मार्क, अभी इस सब पे सीधे स्केल से सबको सीधा कर ले रहे हैं। जब तक हम सीधा कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल पे रख दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को वॉच कर सकें। अब देखिए अभी यहाँ पे कन्नी से 1/2 इंच अंदर हम मार्क करेंगे, हमारा जो मेजरमेंट होगा यहाँ से हम लेंगे थाई का। ठीक है, पहले हम ऊपर का मार्क कर रहे हैं, जो हाई लाइन की मार्क हमने किया था उसके लिए वहीं पे हम थाई का मार्क करेंगे। तो थाई हमारा है 23 इंच।
23 इंच है तो 23 का हाफ करेंगे, 23 का हाफ करेंगे कितना आएगा 11.5 इंच, 11 दूनी 22 और हाफ इंच का 1 इंच बनेगा, डबल करेंगे तो 23 इंच हो जाएगा। तो 11.5 पर मार्क करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच पीछे जो है चैन फ्लाई के लिए, जहाँ से फ्लाई हमारा बनता है उसके लिए हो गया। अब ये जो 11.5 इंच हमारा दिख रहा है यहाँ से, जिन्हें हम थाई का मार्क किए थे, उसका हाफ करेंगे इस तरह से। ये हमारा होगा सेंटर लाइन के लिए मार्क करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा सेंटर का, जिसकी वजह से हमारी पैंट जो है बिल्कुल सीधी रहेगी, इसी सेंटर लाइन से हमारा पूरा पैंट का कटिंग करेंगे हम। तो 7.25 इंच आ रहा है, 7.25 इंच सभी मार्क पे इस तरह से लगा लेंगे, घुटना थाई कमर और बॉटम के पास, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो सीधा कर लें या ऐसे भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको सीधा करके, सीधे स्किल से बता रहा हूँ कैसे सीधा होगा ये, ठीक है। ये हो गया पूरा हमारा सीधा लाइन। इसके बाद हम पहले ऊपर नाप काम करेंगे, पहले कमर का हम माप बनाएंगे। उसके लिए देखिए, जो हमारा सेंटर लाइन है और जो हमने चैन फ्लाई के लिए हमने 1.5 इंच पीछे किया था, वहाँ से देख रहे हैं 4 इंच हो रहा है। तो ऊपर हम कमर के पास 1/2 इंच या 1/4 इंच हम कम करके लगा सकते हैं। हमारा कमर है 34 इंच, 34 का चौथाई हिस्सा बन लगता है एक पल्ले में, तो चौथाई होगा 34 का 8.5 इंच। तो 8.5 इंच करेंगे हम यहाँ से, जो हमने ऊपर 1/4 इंच कम करके लगाया ना, देखिए यहाँ से 4 हो रहा, हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ से हम नाप रहे हैं 8.5 इंच हुआ। उसके बाद सिलाई के मार्जिन के लिए आप 1 इंच रखें, 1/4 इंच बेस्ट होता है, क्योंकि जहाँ आप फ्लाई अटैच करते हैं ना, वहाँ पे 1/2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कटिंग के टाइम पे भी हमारे इधर कुछ होता है, तो हम 1/4 इंच रखें। इसके बाद देखिए, हमने इस मार्क को सीधा कर लिया इस तरह से। इसके बाद हमारा हिप है, यहाँ पर हम हिप का मार्क करें, हिप हमारा है 38 इंच, 38 इंच, इसका भी चौथाई होता है 9.5 इंच, ठीक है, 9.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब जो है इसको राउंड स्केल से, सीधे स्केल से नहीं, राउंड स्केल से, वो भी ज़्यादा राउंड नहीं, क्योंकि थोड़ा हम स्केल को ऊपर निकालते हुए जहाँ से थोड़ा हल्का राउंड है वहाँ से मिलाएंगे इस मार्क को। देखिए पहले हम ऊपर का मार्क मिलाएं, फिर नीचे से इस तरह से, ये हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम पॉकेट का 2.25 इंच मुँह खुला रखेंगे। उससे पहले हम देखिए यहाँ पर आगे जो है 1/4 इंच, ठीक है, 1/2 इंच, जिसका नॉर्मल में आपको डाउन करना ही करना हर पॉइंट में। इसके बाद हल्के राउंड करते हुए हमने मार्क कर दिया इस पर। अब देखिए पॉकेट का जो मुंह खुला रहेगा 7 इंच, ठीक है, जहाँ से हमने 2.25 इंच मार्क किया था वहाँ से लेके और नीचे इस तरह से 7 इंच पे। और इसके बाद पॉकेट को भी आप सीधा ना बनाएं, बनाने के टाइम पे भी इस तरह से हल्का सा राउंड से में बनाएंगे, पॉकेट खुलता नहीं इसी वजह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा राउंड करना पड़ता है, हम 2.25 इंच मार्क पर मार्क करेंगे, जहाँ से हम चैन फ्लाई को अटैच करेंगे वहाँ के नीचे से इस तरह से हल्का राउंड, ज़्यादा राउंड नहीं, हल्का राउंड से मार्क कर देंगे, कटिंग होगा इस तरह से। तो ऊपर का काम हमारा पूरा हो चुका है, अब हम लगाते हैं घुटने का मार्क, ठीक है। घुटना हमारा है 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच, फिर 9 का आधा होगा 4.5 इंच, देखिए कुछ इस तरह से। तो 4.5 होगा तो ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से 4.5 इंच आगे और 4.5 इंच पीछे करेंगे, हो गया हमारा 9 इंच, 9 दूना 18। इसके बाद बॉटम है 12 इंच, 12 का आधा 6 इंच, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। अभी हमारा मार्क हो चुका है, अभी हम सीधे स्केल से इसको सीधा करेंगे, पहले घुटने और बॉटम के मार्क को मिलाएंगे एक दूसरे से। ये दोनों मार्क को हमेशा सीधे स्केल से ही मिलाएं, राउंड स्केल इसमें ना यूज करें। और देखिए दोनों इस तरह सीधा हो गया। उसके बाद जो बॉटम हमारा उसमें हल्का सा क्रॉस रखेंगे, जो हमने 3 इंच बॉटम के लिए रखा ना इसमें क्रॉस रखेंगे, हल्का से हो गया। अब जो है थाई और घुटने का जो मार्क मिलाना है, यहाँ पे हम राउंड स्केल का यूज़ करेंगे। देखिए अगर ऊपर का राउंड हम यूज करेंगे तो अच्छे से नहीं बैठ रहा, इसके लिए थोड़ा सा स्केल ऊपर निकाल के जहाँ राउंड अच्छा दिखे वहीं पे मिलाएं, दोनों मार्क मिलना चाहिए, फिर वहीं सेप उठा के हम पीछे वाले मार्क को भी मिलाएंगे इस तरह से।
देखिए अभी सभी मार्क जो हमारा मिल चुका है, आप देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सेंटर लाइन एप एंड हमारा मार्क हो चुका है। देखने में ही बहुत ही खूबसूरत दिखता है, प्यारा दिखता है। देखिए थाई हम पहले थाई हम लोग यहीं बनाते हैं ना अक्सर, लेकिन मार्क ऊपर होता है, कोई नहीं किसी वीडियो में बताएंगे इसका भी क्या फार्मूला। तो पर चलिए कटिंग करते हैं। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें साथ में, क्योंकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि मैं आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो और कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, और बारीक से बारीक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल अच्छे से, जो आपके समझ में आ जाएगी एक बार वीडियो देखने के बाद, और नहीं भी आता है तो आप एक बार और देखें बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।